हेलो गाइस, तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मंथली मूवी रैंकिंग्स का वीडियो। और इस वीडियो में मैं रैंक करने वाला हूँ सितंबर मंथ में रिलीज हुई बोथ हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज को। अगर आप अगस्त मंथ के रैंकिंग वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देखना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो प्लीज डू चेक इट आउट और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस मंथ के रैंकिंग से अग्री करते हैं कि नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के सितंबर के रैंकिंग्स के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। पहले बात करते हैं भूत पुलिस के बारे में, जो हॉटस्टार पे रिलीज हुआ था और ये एक और अटेम्प्ट था बॉलीवुड की तरफ से हॉरर कॉमेडी जॉनर में। मूवी के स्टोरी लाइन में पोटेंशियल था, लेकिन इसका कास्टिंग इस मूवी का सबसे बड़ा दुश्मन निकला। सिर्फ सैफ अली खान ही थे जिनका परफॉर्मेंस देखने लायक था, बाकी सभी का परफॉर्मेंस बेकार था। मूवी में ना तो हॉरर था और कॉमेडी के नाम पे तो मजाक चल रहा था, इसलिए इस मूवी को मैं डालता हूं बेकार की कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है मैरी एलिजाबेथ विंस्टेड एंड वुडी हैरल्सन स्टारर केट, जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। और इसमें मैरी एक असैसिन का रोल प्ले कर रही है जिसको कोई पॉइजन कर देता है, और उसके पास सिर्फ 24 घंटा है उस इंसान से बदला लेने जिसने उसको पॉइजन किया था। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें मैरी विंस्टेड का परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव लगा मुझे। मूवी का स्क्रीन प्ले एट टाइम्स बीच बीच में स्लो हो जाता है, बट स्टिल आपका इंटरेस्ट मूवी से जाता नहीं है। मूवी का एक्शन सीक्वेंसेस भी ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक रखा गया है, जिससे आप काफी इंप्रेस होंगे। तो इसलिए इस मूवी को मैं रखूंगा एक बार तो देखना बनता है की कैटेगरी में, क्योंकि इस मूवी को आप एक बार जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेटफ्लिक्स का एक और रिलीज आफ्टर लाइफ ऑफ द पार्टी स्टारिंग विक्टोरिया जस्टिस, जो ऑनेस्टली इस मंथ का बिगेस्ट सरप्राइज था नेटफ्लिक्स की तरफ से। बिगेस्ट सरप्राइज इसलिए क्योंकि मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था इस मूवी से, और ये मूवी मुझे काफी इंप्रेस किया। ये मूवी एक बहुत ही सोशल एंड फुल ऑफ लाइफ लड़की की कहानी है जो अनफॉर्चुनेटली मर जाती है, और फिर उसे एक मौका दिया जाता है वापस अर्थ में जाकर अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए। ये कहानी है तो बहुत ही सिंपल, जो कई बार हम सब देखे होंगे बोथ हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज में भी, लेकिन इस मूवी का स्क्रीन प्ले एंड एक्टर्स का परफॉर्मेंस इसका जान है। इस मूवी के ट्रेलर को देखकर आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही फन और कॉमेडी मूवी है, जो एक्चुअली है भी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स फुल ऑफ हार्ट एंड फुल ऑफ इमोशंस। दिस मूवी इज ऑल अबाउट क्लोजर, और इसका क्लाइमैक्स मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसके क्लाइमैक्स को देखने के बाद एक सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग मिलता है। तो इन शॉर्ट ये मूवी मुझे बहुत ही मस्त लगा, इसलिए इसको डालते हैं मस्त वाले कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है बॉलीवुड का एक और रिलीज कंगना रनौत स्टार थलाइवी, जो एक थिएटर रिलीज था लेकिन अब नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है एंड अमेज़न प्राइम पे भी कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएगा। ये मूवी जयललिता जी का बायोपिक है, जहां उनके कंप्लीट जर्नी को दिखाया गया है कि कैसे वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की और एक सुपरस्टार बन गई, और फिर कैसे वो एक सुपरस्टार से दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन बन गई। मूवी का ट्रेलर देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मूवी बवाल होगा, लेकिन ऑनेस्टली मूवी देखकर बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ये एक ऐसा बायोपिक था जो बायोपिक वाला फीलिंग दिया ही नहीं। डायरेक्टर इस मूवी को रियलिस्टिक फीलिंग देने के चक्कर में सिनेमैटिक बनाना ही भूल गए। पूरा मूवी एक स्टेज प्ले लगता है। एडिटिंग भी इतना बेकार था कि क्या बताओ, कहां पे क्या चल रहा है कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। कोई भी टाइमलाइन को उठाकर कहीं पे भी डाल दिया जा रहा है, और किसी टाइमलाइन का कोई सेंस भी नहीं बन रहा है। एक स्ट्रीमलाइन टाइमलाइन नहीं है जो देखकर आपको क्लियरली समझ में आए कि आखिर चल क्या रहा है। टू बी ऑनेस्ट, जयललिता जी के साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है, क्योंकि उनका लाइफ स्टोरी इतना इंटरेस्टिंग था कि उनके ऊपर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री बने तो लोग उसको देखेंगे, लेकिन ये मूवी इंटरेस्टिंग का कंप्लीटली ऑपोजिट था, क्योंकि ये मूवी मुझे बहुत ही बोरिंग लगा। अब कंगना ऑफ स्क्रीन भले ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हर परफॉर्मेंस, लेकिन यहाँ उनके परफॉर्मेंस में भी मुझे कोई दम नहीं दिखा। अब आई नो आप लोगों में से बहुत लोग इस पर्टिकुलर रैंकिंग से शायद डिसएग्री करेंगे, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये मूवी बेकार लगा, इसलिए इसको मैं रखूंगा बेकार वाले कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है जेरार्ड बटलर स्टार कॉप शॉप, जो एक्सक्लूसिवली थिएटर्स में रिलीज हुआ है, बट सुनने में आया कि इसको बहुत ही जल्द ओटीटी रिलीज भी मिलेगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्शन थ्रिलर मूवी है, जहां जेरार्ड बटलर एक असैसिन का रोल प्ले कर रहे हैं और वो फ्रैंक ग्रिलो के कैरेक्टर को मारना चाहते हैं, लेकिन फ्रैंक को लगता है कि इस असैसिन से बचने का सबसे सेफ जगह एक पुलिस स्टेशन है, तो वो किसी तरह अपने आप को अरेस्ट करवा लेता है। लेकिन भाई जेरार्ड बटलर पीछा कैसे छोड़ेगा, वो भी किसी तरह अपने आप को पुलिस से अरेस्ट करवा लेता है, और उसके बाद जो होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एंटरटेनिंग है। मूवी में एक्शन सीक्वेंसेस की कोई कमी नहीं है, और बेस्ट पार्ट ये था कि सभी एक्शन सीक्वेंसेस ओरिजिनल लगता है, कोई सीजीआई या स्पेशल इफेक्ट्स नहीं दिखता है। मूवी में लूप होल्स डेफिनेटली है, बट स्टिल ये एक एंजॉयबल मूवी है जिसको एक बार तो देखना बनता है बॉस, इसलिए इसको मैं डालता हूँ एक बार तो बनता है कि कैटेगरी में।
नेक्स्ट आता है माइकल शुमाकर का डॉक्यूमेंट्री मूवी शुमाकर, जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। अब देखिए, मैं फॉर्मूला 1 का फैन नहीं हूँ, इनफैक्ट कभी कोई रेस टीवी पे भी नहीं देखा हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये डॉक्यूमेंट्री मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। किसी भी लेजेंड का राइज टू सक्सेस देखना हमेशा इंस्पिरेशनल होता है, बट हर कोई एक अच्छा डॉक्यूमेंट्री नहीं बना पाता। लेकिन नेटफ्लिक्स एक बहुत ही जबरदस्त काम किया है इस डॉक्यूमेंट्री के साथ, जहां माइकल शुमाकर के अप्स एंड डाउन्स को ब्रिलियंटली एंड बहुत ही एंगेजिंग वे में प्रेजेंट किया गया है। माइकल शुमाकर की वाइफ, उसका मैनेजर, रिपोर्टर्स, स्टाफ्स, सभी लोग जो इन्वॉल्व थे माइकल शुमाकर को एक लेजेंड बनाने में, सबका इंटरव्यू देखने को मिलेगा। एंड ऑब्वियसली माइकल शुमाकर का भी रिकॉर्डेड टेप्स भी है फ्रॉम इंटरव्यूज एंड रेसेस, जो आपको काफी एंगेज करके रखेगा। तो इन शॉर्ट, मुझे ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ही मस्त लगा, इसलिए इसको डालते हैं मस्त वाले कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है फ्रीडा पिंटो और लोगन मार्शल ग्रीन स्टार इंट्रूजन, जो एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स मूवी है। मूवी में कुछ लोग घर में घुस जाते हैं, जिसके बाद फ्रीडा पिंटो का लाइफ कम्प्लीटली बदल जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि किस पे भरोसा करे। इस मूवी का प्लॉट बहुत ही इंटरेस्टिंग था और स्टोरी लाइन में पोटेंशियल भी, लेकिन मूवी की स्टोरी को कम्प्लीटली वेस्ट किया गया। मूवी का नाम इंट्रूजन है, लेकिन हार्डली 5 से 10 मिनट का सीन है इंट्रूजन वाला, एंड जो डिफरेंट स्टोरी लाइन है वो भी एंगेजिंग नहीं लगा मुझे। तो इन शॉर्ट, ये मूवी मुझे बेकार लगा, इसलिए इसको डालते हैं बेकार वाले कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स, जो थिएटर रिलीज है एंड अब कुछ दिन में डिज्नी प्लस पे भी रिलीज होगा, और इस मूवी से मार्वल का फेज 4 ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। अब देखिए, मार्वल मूवीज का तो क्या ही कहना, ये ऐसा स्टूडियो है जो गारंटीड ब्लॉकबस्टर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा इनकी मूवीज अच्छी होती है और अपने एक्सपेक्टेशंस पे खरी हो पाती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक विडो को ही देख लीजिए, मुझे वो मूवी बहुत ही मीडियोकर लगा। लेकिन रहा बात शांग-ची का, तो शांग-ची के थ्रू मार्वल बहुत चालाकी से अपने मैंडरिन के गलती को सुधारा, जो नेसेसरी था। एंड इनफैक्ट ये मूवी मार्वल का दी बेस्ट ओरिजिन स्टोरी है। सीमू लियू, एक्वाफिना, टोनी लियोंग का परफॉर्मेंस जबरदस्त था, जो अपने रोल्स को परफेक्टली प्ले किए हैं। इस मूवी का एक्शन सीक्वेंसेस भी बाकी मार्वल मूवी से काफी अलग था, जो ऑनेस्टली बवाल था देखने में। मूवी का सिनेमेटोग्राफी से लेकर इसका बैकग्राउंड स्कोर तक सब कुछ बवाल था। तो मूवी को बिना किसी डाउट के डालते हैं बवाल वाले कैटेगरी में। नेक्स्ट आ रहा है ऐसा मूवी जिसे कहा जाता है इस साल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर, और वो है ड्यून, जो मुझे कैसा लगा वो तो आप मेरे रिव्यू से समझ ही गए होंगे। और ये मूवी फिलहाल सिलेक्टेड कंट्रीज में सिर्फ थिएटर में रिलीज हुआ है। देखिए, जैसे कि मैंने अपने रिव्यू में कहा था, ये मूवी अपने टेक्निकल डोमेन्स में जबरदस्त है। इसका सिनेमेटोग्राफी अ ट्रीट टू द आईज है। इसका बैकग्राउंड स्कोर बाय हांस ज़िमर अ ट्रीट टू द इयर्स है। जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं उनका कोरियोग्राफी बवाल है। लेकिन मूवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एक तो ये मूवी 2.5 घंटे का है और दूसरा बहुत ही ज्यादा स्लो है। मूवी में आप और एक्शन सीक्वेंसेस देखने को तरस जाएंगे, लेकिन आपको उतना ही देखने को मिलेगा जितना आप ट्रेलर में देखे हैं। सिंस इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, तो ये पार्ट मोस्टली स्टोरी बिल्डअप करने में लगता है, इसलिए ये पार्ट मोस्टली डायलॉग्स पे डिपेंडेंट है। अब आई फील कि सिंस इस पार्ट को सिर्फ बिल्डअप के लिए रखा गया है, तो सेकंड पार्ट तो भाई बवाल होगा, इसलिए इस पार्ट को फिलहाल एक बार तो देखना बनता है। तो सिर्फ इसलिए ये जाएगा एक बार तो देखना बनता है के कैटेगरी में। नेक्स्ट आता है मेलिग्नेंट, जिसको आप थिएटर एंड एचबीओ मैक्स पे भी देख सकते हैं। ये मूवी एटलीस्ट मेरे लिए वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज था हॉरर जॉनर में। यूजुअली हॉरर मूवीज मुझे उतना इंप्रेस नहीं कर पाती है, लेकिन जेम्स वॉन का ये नया ओरिजिन स्टोरी एक ट्रीट था देखने में। ये आपका टिपिकल हॉरर मूवी नहीं है जहां आपको भूत या स्पिरिट देखने को मिलेगा, बल्कि एक ट्विस्ट है इस मूवी में जिसको आप मूवी देख के समझ जाएंगे। और जिस तरह से पूरे मूवी को एग्जीक्यूट किया गया है भाई, वो तो बवाल था। कुछ कुछ हॉरर सीन्स तो जबरदस्त है और वो डराने में भी कामयाब हो जाता है अगर आप सही माहौल बनाकर मूवी देख रहे हैं तो। जेम्स वॉन का डायरेक्शन बवाल था, जहां आपको ऐसा ऐसा सीन्स देखने को मिलेगा जो आप देखते ही रह जाएंगे। मूवी का सिनेमेटोग्राफी तो भाई मुझे कॉन्ज्यूरिंग मूवी से बेटर लगा, स्पेशली क्लाइमैक्स में, जो देख के तो भाई मेरा होश ही उड़ गया था। तो इन शॉर्ट, ये एक मस्ट वॉच मूवी है सभी हॉरर मूवी फैंस के लिए, तो मैं इस मूवी को रखता हूँ बवाल वाले कैटेगरी में। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेटफ्लिक्स की एक और रिलीज की तरफ, जो है नाइट बुक्स। और ये मूवी एक फैमिली हॉरर मूवी है जो सरप्राइजिंगली काफी मजेदार था देखने में। बहुत कम हॉरर मूवीज बनती है जिसको आप अपने बच्चों के साथ बैठकर देख सकते हैं, और नाइट बुक्स एक ऐसी मूवी है जो बच्चे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मूवी अडल्ट एंजॉय नहीं करेंगे, वो लोग भी इक्वली एंजॉय करेंगे। मूवी में विंस्लो फेगली का परफॉर्मेंस जबरदस्त था, और वो एक चुड़ैल के चंगुल से कैसे अपने आप को बचाता है वो देखकर आपको सरप्राइजिंगली बहुत मजा आएगा। तो इन शॉर्ट, मुझे ये मूवी बहुत ही मस्त लगा, इसलिए मैं इस मूवी को डालता हूँ मस्त वाले कैटेगरी में। अब लास्ट बढ़ते हैं बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड की तरफ, जिसको आप थिएटर्स में देख सकते हैं। नो टाइम टू डाई डैनियल क्रेग का लास्ट जेम्स बॉन्ड मूवी है, और ये मूवी लॉन्गेस्ट जेम्स बॉन्ड मूवी एवर है। इस मूवी का रन टाइम 2 hours 45 minutes का है, और आज के डेट में इतना लंबा मूवी शायद ही कोई एंजॉय करता है। मेरा तो ये हाल है कि 2 घंटे से ऊपर कोई भी मूवी होता तो उस मूवी को मैं जज करना स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन कुछ कुछ मूवीज होते हैं जो आपका इंटरेस्ट बनाकर रखते हैं थ्रू आउट, एंड नो टाइम टू डाई उन्हीं में से एक है। डैनियल क्रेग मेड श्योर कि उनका लास्ट मूवी एज बॉन्ड एक एक्शन पैक थ्रिलर हो, जहां उनको लाइसेंस टू किल तो मिले ही, साथ साथ ऑडियंस को लाइसेंस टू थ्रिल भी मिले।
इस मूवी का हर एक फ्रेम स्टाइलिश था, जिसको आप देखते ही रह जाएंगे। चाहे वो एक्शन सीक्वेंसेस हो या फिर नॉर्मल डायलॉग्स, सभी एक्टर्स का परफॉर्मेंस टॉप नॉच था। लेकिन रामी मलिक तो भाई एक अलग ही लेवल पे था। क्या परफॉर्मेंस था रामी मलिक का, उफ बवाल था भाई बवाल। अब जेम्स बॉन्ड बिना अपने टिपिकल बैकग्राउंड स्कोर के तो कुछ भी नहीं है, और इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर द जीनियस हांस ज़िमर दिए हैं, तो ये तो भाई सोने पे सुहागा ही हो गया। तो इन शॉर्ट, इस मूवी का परफॉर्मेंस से लेकर एक्शन तक, सिनेमेटोग्राफी से लेकर बैकग्राउंड स्कोर तक, सब कुछ बवाल था। तो बिना किसी डाउट के ये जाता है बवाल वाले कैटेगरी में। तो गाइज ये था कंप्लीट लिस्ट, जिसको जल्दी जल्दी रैंक कर देते हैं। इस मंथ सह नहीं पाओगे वाला कोई मूवी मैं नहीं देखा हूं, तो वो तो भाई खाली रह गया। बेकार मूवीज में भूत पुलिस सही पोजीशन पे है, क्योंकि वो मुझे इंट्रूजन और थलाइवी से बेटर लगा। अब थलाइवी एंड इंट्रूजन में मुझे इंट्रूजन बेटर लगा, तो उसको थलाइवी से आगे कर देते हैं। अब ठीक ठाक की तरफ बढ़ते हैं, जो सरप्राइजिंगली खाली था यार, दैट्स वियर्ड। एक भी मूवी मैंने रखा इस कैटेगरी में, वियर्ड, इट्स रियली वियर्ड। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, एक बार तो देखना बनता है कि कैटेगरी में, जिसमें केट, कॉप शॉप एंड ड्यून है, एंड मुझे कॉप शॉप बेटर लगा केट से, तो उसको केट से आगे रख देते हैं। फिर ड्यून मुझे बेटर लगा केट से, तो उसको केट से आगे रख देते हैं। आई गेस ये सही है। फिर मस्त वाले कैटेगरी में मुझे शुमाकर बेटर लगा आफ्टर लाइफ ऑफ द पार्टी से, तो उसको आगे कर देते हैं। देन नाइट बुक्स भी बेटर लगा आफ्टर लाइफ ऑफ द पार्टी से, तो उसको भी इसके आगे कर देते हैं। आई गेस ये रैंकिंग सही है इस कैटेगरी का। अब बढ़ते हैं बवाल वाले कैटेगरी में, जिसमें तीन मूवीज है। वाह क्या बात है, तीन मूवीज बवाल वाले कैटेगरी में, लेकिन ये तो एक टफ चॉइस हो गया। इसमें बॉन्ड को सबसे आगे कर देते हैं। नहीं नहीं, मार्वल का शांग-ची यार, मार्वल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो शांग-ची को ही आगे रहने देते हैं। फिर बॉन्ड को रखते हैं एंड देन मैलिग्नेंट। हाँ ये सही है। तो लीजिए गाइस, ये था मेरा रैंकिंग सितंबर मूवीज का। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस रैंकिंग से अग्री करते हैं कि नहीं, और अगर कोई मूवी मैं मिस किया हूँ इस मंथ जो आप रेकमेंड करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही कंटेंट, लेटेस्ट मूवी रिव्यूज और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी रिकमेंडेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।